आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज और हमारे बेहद इसरार पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब। आप अपनी समस्याएं हम तक भेजते रहिए, हम उसको डॉक्टर एस के जैन साहब के साथ जरूर शेयर करेंगे। और डॉक्टर साहब, ये लेटर आया आसाम से जी, लिखते हैं कि मेरे लिंग की नसें 2 महीने से फूल गई हैं और ऐसा क्यों हुआ है और इसका क्या कोई उपचार है? देखिए, अगर नसें फूल गई हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप परेशान ना हो, उसमें मतलब जो है वो आप थोड़ा सा उसको 2-4-6 दिन वॉच कीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ इतना लिखा है कि नसें फूल गई हैं, यानी बाय द वे उससे तनाव आपको इरेक्शन आ रहा है पूरा, यू फील द फुल ऑफ द एन्जॉयमेंट, क्लाइमेक्स ऑफ द एन्जॉयमेंट, देन देर इज नो एनी प्रॉब्लम। और जो जहाँ तक नसें फूलने वाली बात है, वो अपना 2-4-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, आप कोई भी एनाल्जेसिक ले लो, यू कैन बी ऑल राइट। तो ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ है, कोई इसका दूसरी किसी चीज से रिलेशन तो नहीं? नो, कभी कभी तो ये मतलब जो है वो 2 तरीके से है, इसमें दे आर 2 थिंग्स, फर्स्ट इज द मतलब जो है वो कंजेनाइटल एंड सेकंड इज द एक्वायर्ड। साइंस में बीमारियां 2 तरीके से पैदा होती है, अगर बाई दे कंजेनाइटल है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, कंजेनाइटल मीन्स बाई बर्थ, एंड इफ इट इज एक्वायर्ड यानी किसी की चोट लगने की वजह से हो गया, या कभी कभी नसें ऑटोमेटिकली फूल जाती, लेकिन अगर उससे और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इलाज की जरूरत नहीं है आपको, आप थोड़ा सा बैलेंस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका ये ईमेल करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा था कि नाम, हमारा मकसद प्रॉब्लम को सामने लाना है, और अक्सर जैसा डॉक्टर साहब ने अपनी शुरुआत में बताया था कि लोग जो हैं कई बार अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से कतराते हैं। और अगला ईमेल भेजा है डॉक्टर साहब चंडीगढ़ से, ये लिखते हैं कि सर, बिजनेसमैन हूँ, मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है, शादी भी हो गई है, 3 बच्चे भी हैं, उम्र 36 साल है, परंतु मेरी समस्या यह है कि जब भी कोई भी महिला मेरी दुकान में आती है तो मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, क्या ये कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इस प्रकार के काफ़ी केसेज मेरे पास में आते हैं कि जिनके अंदर ओवर एक्साइटनेस होती है, अगर एक्साइटमेंट जरूर से ज़्यादा है तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेज में देखा है कि उन्होंने कहीं पर रैप भी कर लिया। तो साइंस जैसा बोलती है, कहती है कि साइंस के अंदर किसी भी चीज़ की अधिकता या उसकी लोबरनेस हानिकारक है, अगर वो मीडियम है तो कहीं से कोई नुकसान नहीं है, लिहाजा आप अपने कामुक विचारों को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, और जिससे कि आगे चल के फिर कोई आगे गंभीर समस्या, कोई गंभीर प्रॉब्लम आपको ना उत्पन्न हो। और मैं समझता हूँ यदि आप अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ मन के ऊपर डिपेंड करता है, आप तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, समझदार हैं, लिहाजा यदि आप मन को कंट्रोल रखेंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य और सेक्स संबंधी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए नंबर्स पर अभी कॉल करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।